क्रिप्टोस की दुनिया फिर एक बार बदलने वाली है। जी हाँ, कुछ ऐसा भौचाल वाला न्यूज आया है जिसके कारण सारे क्रिप्टो एंथुजियास्ट शायद खुश हो सकते हैं। जहां बहुतों का पोर्टफोलियो नेगेटिव पड़ा है क्रिप्टोस की अगर बात करें, यहां पर कुछ भौचाल हो सकता है। $10 trillion एसेट अंडर मैनेजमेंट रखने वाली एक कंपनी ने अपना एक तगड़ा इंटरेस्ट बिटकॉइन की दुनिया में लगाया हुआ है। जी हाँ, और अगर ये जो अटेम्प्ट करने की कोशिश करे वो पूरा होता है तो $15 trillion से ज्यादा का इनफ्लक्स हो सकता है। वेल, इस कंपनी ने एक सिंपल सी चीज कही है कि हम ETFs बिटकॉइन के ऊपर लेके आने वाले, क्रिप्टो ETFs लेके आने वाले, जिसके चक्कर में ब्रॉडर मार्केट्स में बिटकॉइन लास्ट वीक 20% से भी ज्यादा उछल चुका है। और इसी के साथ इथेरियम हो गया, BNB हो गया, XRP हो गया, ये सब बढ़े, जिसके कारण $1.17 trillion का इजाफा हुआ है। बाय द वे, अगर आप गेस करें कौन सी कंपनी है, कोई और कंपनी नहीं है, ये है ब्लैक रॉक। इसके साथ लेजर डिजिटल नामक कंपनी जो कि फाइनेंशियल लॉन्गिंग नोमूरा कैपिटल की आती है, वो कहती है कि 96% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स मैनेज कर रहे हैं $5 trillion से ज्यादा। उन लोगों का कीन इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसीज में। बाय द वे, कंपनी ब्लैक रॉक के ऊपर हमने एक बहुत तगड़ा वीडियो पहले भी अपने चैनल पे बनाया, जाके देखो अगर आपने नहीं देखा है। लेकिन इसके साथ और भी कुछ है। जेज मोहिदीन, जी हाँ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है लेजर डिजिटल के, उन्होंने एक चीज कही है कि भैया ये जो एक आपसी सम्मेलन होने वाला है कॉइन डेस्क के साथ, ये एक बहुत क्लियर रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि डिजिटल एसेट्स का लैंडस्केप अभी वापस रिवाइव होने वाला है। सबसे पहले तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको एक चीज बता दें कि इस बार अलग क्या हो रहा है, इस बार क्रिप्टो इतना हाइप क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो ETF लेके आ रहे हैं, ये स्पॉट मार्केट के बिटकॉइन को पूरी तरीके से कॉपी करेगा। इसी के साथ साथ ब्लैक रॉक ने जो एप्लीकेशन फाइल करी है SEC के साथ, SEC वहां की हमारी रेगुलेटर होती है, तो उनके साथ जो करी है, इसके चांसेस ऑफ अप्रूवल बहुत ज्यादा है। जी हाँ, इंप्रेसिव रिकॉर्ड है 575/1 इन द फेवर ऑफ अप्रूवल, जो कि बहुत तगड़ा है। इसके साथ साथ इतिहास से लेके अभी तक देखा गया है कि रेगुलेटरी लैंडस्केप में नेविगेट करना इसके लिए काफी ज्यादा आसान है। इतना ही नहीं, ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन होगा वो ETF, वो केवल क्लियरली ETF को कॉपी ही नहीं करेगा, बट ऑल्सो काफी सारे प्रॉब्लम जो SEC को पहले होते थे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके, बिकॉज जब भी हम क्रिप्टो या बिटकॉइन की बात करते हैं तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, उसके रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होती हैं उसको भी नजर में रखा गया है। इतना ही नहीं, ब्लैक रॉक ने जैसे कि मैंने आपको बताया Coinbase के साथ पार्टनर किया है कस्टोडियन के हिसाब से, ताकि जितने भी बिटकॉइंस परचेज किए जाएंगे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। याद रखिए, ब्लैक रॉक दुनिया की बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो ऐसे ही कोई पासा नहीं खेलेगी। और बात जब करें कि अभी करंट सर्कुलेशन में जो जो मेजर कॉइन्स हैं, अगर उसको पूरी तरीके से भी लिया जाए तो करीब करीब $66 billion के आसपास है, जो कि केवल 0.7% ऑफ ब्लैक रॉक एसेट है। इन द सेंस, अगर ब्लैक रॉक अपनी ETF को चलाने के लिए एक बार को ये भी सोचे कि जितने करंटली अवेलेबल क्रिप्टोज है उनको पूरी तरीके से मैं ओवरटेक भी कर लूं, तो भी कोई इसको नहीं रोक पाएगा। बाय द वे, क्रिप्टोस की अगर मैं बात कर रहा हूं और आपको क्रिप्टो रिलेटेड और अपडेट्स और वीडियोस आगे भी चाहिए तो कमेंट्स में क्रिप्टो लिखिएगा। इसी के साथ, चाहे स्टॉक मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, केस स्टडीज हो, इंडिकेटर्स हो, ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, उसके रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो और चाहिए कमेंट्स में लाइक करना मत भूलिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।